हॉकी कटनी की महिला हॉकी टीम घोषित। दमोह में आगामी 25 फरवरी से 3 मार्च के बीच संपन्न होने जा रही अंतर जिला सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए हॉकी कटनी की टीम घोषित की गई। 18 सदस्यीय टीम में रितु छिपेल, अश्वनी कुंडे, कामनी वंशकार, कप्तान श्रद्धा विश्वकर्मा, अविका रजक, अनमोल मुस्कान, निषाद प्रांचली, रिमझिम सोनी, चेतना गुप्ता, पलक वर्मन, सृष्टि श्रीवास, आकांक्षा वर्मन, काजल खटिक, सौम्या वर्मन, अदिति रजक, विधि रजक और भूमिका शामिल है। श्रीमती पिंकी बलियानी, साइना इंटरनेशनल, नीतु निषाद, दिल्ली पब्लिक स्कूल कोच और विनोद रजक मैनेजर होंगे। हॉकी कटनी टीम अपना पहला मैच 27 फरवरी को सिवनी के साथ खेलेगी। टीम 26 फरवरी को दमोह के लिए रवाना होगी। महिला हॉकी टीम घोषित किए जाते समय राकेश चतुर्वेदी, शंकरलाल सोनी, अश्वनी बड़गैया, डॉक्टर विनीत गुप्ता, दिलीप चंद्रा, अनिल दुबे, सुरेश रिजवानी, राजीव चतुर्वेदी, विजय नागा, नीरज चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम अग्रहरी, आमिर कयूम, राजेंद्र सिंह, विनोद रजक, उमाकांत कन्नौजिया, अंकुर चतुर्वेदी, पिंकी बालियानी, नीतु निषाद की गरिमामयी उपस्थिति रही। और यहाँ पे किसके द्वारा आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, कैसी ट्रेनिंग है? बेटा नीचे हम लोग 4 साल से यहाँ हॉकी खेल रहे हैं और हमारे कोच रानू सर वो हमें ट्रेनिंग देते हैं। अभी तक आप लोग कहाँ तक खेल कर आए? नेशनल खेला है छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में। हम लोग कई बार बाहर जा चुके हैं। अभी ये इस बार फिर आप लोग की टीम का सिलेक्शन हुआ है और आप लोग जा रहे हो, कैसा उत्साह है आप लोगों का? साहब बहुत है। क्या लगता है आप लोग जीत के आएंगे? क्या नाम है आपका? कामिनी मंजकार। मध्य प्रदेश स्टेट अंतर जिला महिला हॉकी टूर्नामेंट दिनांक 27 फरवरी 2021 से दिनांक 3/3/2021 तक दमोह में संपन्न होने जा रहा है। उसी के लिए हॉकी कटनी की महिला टीम का चयन किया गया। 20 और 21 दो दिन यहां ट्रायल्स रखी गई, जिसको श्रीमती पिंकी बलियानी, नीतू निषाद, विनोद रजक, रानू, ये 4-5 लोगों ने मिलकर के टीम को ट्रायल लिया और सिलेक्शन किया। आज 18 लोगों की टीम और कोच मैनेजर डिक्लेयर किए गए यहाँ ग्राउंड पर, और ये टीम 26 तारीख को शाम को जबलपुर निजामुद्दीन एक्सप्रेस से दमोह के लिए रवाना करेगी उस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए। क्या नाम है आपका? शंकरलाल सोनी, सेक्रेटरी हॉकी कटनी।